वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई जज मत करना, अभी शिफ्ट से छुट्टी हुई है 12:30 बजे, 12:35 हुए हैं, अभी जा रहे हैं बस स्टॉप। बस स्टॉप कितनी दूर है ये मत पूछना, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं भाई। टॉपिक यही था अपना कि भाई ने पूछा था, भाई बहुत लोगों ने मैसेज किया भाई कि अब बता दो अंशुल भाई जी, अब बता दो अंशुल जी कि है ज़रूरी है कहते ये जानना कि कनाडा वर्थ है कि नहीं है 2024 और 2025 वालों के लिए। अगर इंग्लिश में बात कर ले तो 2024 और 2025 के लिए वर्थ है कि नहीं है। 2022 में अलग मॉल थे, 2023 में अलग मॉल थे, 2023 में आया था। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अभी मैं बताता हूँ कि मेरे को भाई ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। 23 जुलाई को मैं लैंड हुआ था, 23 जुलाई 2023 को मैं लैंड हुआ था भाई कनाडा में। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा के चलो 10 महीने तो हो ही गए हैं, चलो ठीक है एटलीस्ट 10 महीने हो गए अपने को इस धरती के ऊपर। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं कोई भी भाई एजेंट नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, और आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। तो वीडियो शुरू करने वाले थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ भाई, लैम्पटन कॉलेज में पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। इसका स्कोप क्या आ गया मेरे को खुद नहीं पता भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाकी सबका एक ही मोटो है पीआर। तो पीआर के पर्सपेक्टिव से भी भाई बातें कर लेंगे इस वीडियो में। वैसे तो आ रहा है आगे अपडेट्स आने वाले हैं कि भाई ने बोल दिया, ट्रूडो ने मिला मार्क, मैंने पता नहीं भाई, मेरी ब्रेक चल रही है तो इसलिए मैं ध्यान दे नहीं रहा। मैं काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ, सो जाता हूँ, फिर शाम को चले जाते हैं घूमने जाना हो कभी, मतलब शाम तो बची नहीं हमारी, दिन नहीं बचता, या छुट्टी हो तो घूम लेते हैं, नहीं तो चिल पानी करी जा रहे भाई, सोने का टाइम नहीं मिल रहा, आँखें खिलाल हो पड़ी हैं, डार्क सर्कल्स आए पड़े हैं। वही भाई चार टी शर्टों में घूमते रहते हैं, आज भी याद है भाई इंडिया से पता नहीं 14 टी शर्ट लेके आया था शायद, लेकिन ये पुरानी पहनता रहता हूँ मैं, शिफ्ट वाली हुई वही जाते तो है नहीं भाई, कभी बीच वियर भी पड़े हैं भाई, रोल रहे हैं जो दुबई से खरीदा था, दुबई के लिए खरीदा था, सब कुछ पड़ा है, आएगा टाइम उसका भी पहन लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ये टाइम बहुत टाइम बाद आया भाई की जॉब। तो इससे भाई पहला पॉइंट ही कवर हो गया कि जॉब के हालात थोड़े इस टाइम ख़राब ही हैं। ब्रैम्पटन की तरफ जाओगे तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट जीटीए में भाई जॉब नहीं है। फुल टाइम हो फिर चांसेस मिल सकते हैं आपको जॉब के, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा काम जॉब का। और सेकंड यही है भाई कि अगर रेफरेंस है तो काम मिलेगा, रेफरेंस के बिना काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ पड़ा आजकल, रेफरेंस के बिना काम तो भाई मिलने से ही रहा है कनाडा में, एक ही चीज़ पड़ी है, रेफरेंस है तो काम है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। बाकी ट्रक जा रहा है हमारे पीछे से जाएगा अभी, अपना राइट है भाई क्योंकि पत्ती मेरी है, तो जैसे मैं निकल गया तो भाई अभी निकल जाएंगे बाय रूल। अगर भाई मैं को उड़ा देता है तो पैसे पता नहीं कितने मिलेंगे, $1 million शायद मिल जाएगा एक आधा, बट ऐसे हमने क्या ही करने हैं पैसे जब हम नहीं बचे तो, हमारे से ऊपर क्या है। बाकी इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा बोरी ना जाए और टू द पॉइंट बातें बताई जाएँ आप सभी को। जॉब का मैंने बता दिया है, जॉब का सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं भाई तो पीछे से थोड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी जो लोन लेके आ रहे हैं उनका मैं को नहीं पता भी क्या भी सीन है क्या नहीं सीन, बट हाँ आई कैन बेट भाई अगर कोई ट्राई करेगा बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्राई करेगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। मैंने बंदे बहुत देखे हैं जिन लोगों ने भाई आके हफ्ते बाद भी काम कर ढूंढ लिया है, और हमारे जैसे भी हैं जो घर पे सोए रह गए, हमको 9 महीने बाद मिला, ऐसी है। बट टोटल फॉल्ट इसमें हमारा भी नहीं कहेंगे, टोटल फॉल्ट उसका भी नहीं कहेंगे भाई, थोड़ी स्किल्स वगैरह सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, कोई मैकेनिक्स वगैरह का काम या फिर बालों वालों को तो चलो ट्रेंड चला गया भाई हेयर कट वेयर कट का। बाकी अभी जॉब का प्रस्पेक्टिव हो गया, फिर आगे करियर की बात कर लेते हैं भाई, जो भी कनाडा में को मैं कैसे बताऊँ यार वर्थ है कि नहीं वर्थ, मैं मतलब ऐसे एक लाइन में बता नहीं सकते कि वर्थ है कि नहीं वर्थ है ना, एक वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती कनाडा के बारे में भाई, एक वीडियो ना जस्टिफाई नहीं कर सकती कि कनाडा वर्थ है कि नहीं वर्थ है। अगर सिंपल मैं अपना बताऊँ, अगर 1 वर्ड में आंसर देना है तो भाई यस इट इज़ वर्थ, आज नहीं दिखेगा आपको वर्थ, दिखेगा 2-3 साल बाद, जब अगर आप पहुंच जाओगे अपने 2-3 साल बाद पहुंच जाओगे। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है भाई, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, बारिश हो रही हो कुछ हो रहा हो भाई आपको बस पे जाना पड़ेगा, ठीक है सिंपल है। अभी मैं 1 किलोमीटर चल के आया हूँ, 1 किलोमीटर तो नहीं होगा वैसे, 900-800 मीटर जो भी है भाई कोई चक्कर नहीं है, वो तो चलो नॉर्मल ही हो गया, मतलब मैं तो इसको कुछ समझता ही नहीं हूँ सच में कसम वाली बात है, ये तो चलो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया। इंडिया में तो भाई मैं ब्रेड लेने जाता था ना अपनी साथ वाली दुकान पर, या तो भाई गाड़ी पर जाते थे या एक्टिवा पर जाते थे, पैदल तो भाई तुम्हारा गया ही नहीं कभी भी, साथ वाले अंकल से भी कोई चीज़ लेनी होती थी तो छत से ही पकड़ लेते थे, ऐसे ही सीन हुए पड़े हैं। बाकी इंडिया की बातें ना की जाएँ तो बेहतर रहेगा क्योंकि इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई इसका, बाकी कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है वर्थ इन द सेंस है भाई, अगर आप माहौल देख के मतलब नशे नशों में नहीं चढ़ोगे, अगर नए नए आए हो भाई, कोई वेप फूक रहा है, कोई हुक्का फूक रहा है, कोई दारू पी रहा है, तो अगर आप भी उस सब में डल जाओगे तो फिर भाई मेरा एक स्लोगन है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलता नहीं हूँ क्योंकि यूट्यूब है ये, एक स्लोगन मैं बहुत यूज़ करता हूँ भाई कि बस कईयों ने क्या देख लिया है ना, मतलब कईयों का मतलब मैं कुछ शहर का नाम लेता हूँ उसमें और फिर दूसरे शहर का नाम लेता हूँ कि भाई ऐसा हो गया, बट ठीक है। अगर भाई मैं आपको बताता हूँ भाई
मतलब मैंने आज तक कोई भी नशा नुशा नहीं किया भाई कैनेडा आके, वेप वूप भी नहीं भाई, नहीं भाई अपन नहीं पीते, टाइम ही नहीं मिलता पहली बात तो, टाइम मिल जाए तो भाई अच्छी चीज़। मेरे को इस चीज़ का शौक ही नहीं है, मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, तो दो पैसे इकट्ठे होते हैं हम ट्रैवलिंग करने चले जाते हैं, या फिर गाड़ी गुड़ी का शौक है गाड़ी रेंट करके उड़ा लेते हैं, अभी पीछे गाड़ी रेंट करके ओटावा घूम के आए हैं, अपना सीन पानी चलते रहते हैं, अलग अलग है। बाकी व्लॉग्स वगैरह बहुत कम आ रहे हैं मेरे को पता है, अगर मेरी व्लॉग वाली ऑडियंस देख रही है, करेंगे भाई अभी घूमने का टाइम आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि सोलो ही घूमना पड़ेगा, बाकी प्लान्स तो हैं डुओ घूमने के, ये बोला जाता है भाई व्लॉग में, घूमेंगे भाई डुओ ही घूमेंगे, कोई चक्कर नहीं है, माता रानी की मेहर रहेगी। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला था भाई, सम थिंग्स आर मेंट टू बी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेंट टू बी है, तो दिखा हुआ है मेरे को ऐसा लगता है, तो घूमेंगे भाई साथ ही घूमेंगे, कोई चक्कर नहीं है, व्लॉग में शायद ही दिखाऊं ना दिखाऊं, बाकी घूमेंगे तो देख लेंगे, जो भी सीन है व्लॉग तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अपने लिए मेमोरीज अभी ये सब छोड़ देते हैं। मैं खड़ा हूँ स्टॉप पे, तो बसेस का यार मतलब मैं वीडियो मतलब बनानी क्या है, मेरे को सच में नहीं पता कि वर्थ मतलब क्या कहना चाहते हो आप वर्थ से, वर्थ तो यही है भाई कि कैनेडा वर्थ है कि नहीं है, वर्थ तो भाई है, अगर बात कर ले भाई आजकल पैसे कितने लग रहे हैं, मैं अगली वीडियो में पूरा बता दूंगा आपको कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कितनी फीस लग रही है, और क्या क्या चार्जेस हैं, क्या जीएसटी लग रहा है, जो चार्जेस इन द सेंस मतलब कॉलेज फीस वगैरह भी भाई, अभी तो और अनाउंसमेंट आ रही है, कोई कह रहा है 5 साल का वर्क परमिट हो जाएगा, अगर वो हो गया तो फिर तो भाई कैनेडा में लगा के चलो भाई लॉटरी ही हो गई मेरे हिसाब से, कर देगा वो, मेरे को 60% उम्मीद, 60-70% उम्मीद है कि वो कर देगा, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई उसने पीछे जीएसटी इंक्रीज़ कर दी है ना, तो ऐसा ना हो कि वो कवर करना चाहता हो गैप को कि भाई कि बंदे कम ना हो जाएं अब, लेकिन इसको जनता मेरे हिसाब से भाई ओंटेरियो में तो ना ही आए। हाँ जो मेरी वीडियो देख रहा है मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई दिल से, मेरा सगा भाई मेरे से पूछता कि भाई क्या सीन करना है, भाई मैं उसको यही बोलूँगा भाई ब्रैम्पटन मत आ जियो, जीटीए तो आई मत जियो, ठीक है मैं आपको बताता हूँ भाई, उस दिन मैं जब ओटावा गया ना तो हम राइड्स लेके गए थे साथ में ब्रैम्पटन से, तो बंदे भाई ओटावा में काम कर रहे हैं, कॉलेज उनका ब्रैम्पटन में है, ओटावा में काम है भाई, सब जगह काम है, मैं कुछ सच सच कह रहा हूँ भाई, मेरे जितने भी दोस्त दूसरे प्रोविंसेस में हैं, कोई अल्बर्टा में है, कोई नोवा स्कोशिया में है, कोई एक टिमिन से आया था जो भी, भाई काम बहुत है उधर, इधर ब्रैम्पटन में भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, मैं तो ब्रैम्पटन रहता नहीं हूँ अब चलो, बट मेरे को लगता है स्कारबो के भी यही हालात हो चुके हुए हैं, जीटीएम भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, आपको पता है ओवरक्राउडेड हो गया सब कुछ, बाकी आपने ब्लॉग्स देखे हैं, कोई भी भाई पागल नहीं बना रहा, अगर आपको लग रहा है कि ये तो फेक लाइंस दिखा रहे हैं, नहीं भाई कुछ होंगे बीच में एक आधे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फेक लाइंस नहीं होती, वो रियलिटी है भाई, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ अब, फिर भी लोग आई जा रहे हैं ब्रैम्पटन इज़ ए वेरी गुड सिटी टू लिव, वैसे सही बोलूँ तो मैं, मतलब खाने पीने की बात की जाए, अपनापन की बात की जाए, बाकी मॉल तो उधर के ख़राब ही चल रहे हैं, अपना कुछ नहीं बोलना उसमें, हम भाई दूर हैं सबसे, बाकी भाई वर्थ तो आपके हाथ में होता है, उसको वर्थ बनाना है या फिर उसकी वर्थ खत्म करनी है, कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए कभी भी, कि घर वालों ने भेज दिया तो चलो वहाँ पर जाके ऐश करें, ऐसा नहीं भाई, ठीक है ऐश भी होगी 2 साल बाद 3 साल बाद 7 साल भी होती रहती है ऐश, वैसे हम तो भाई 7 साल भी कर लेते हैं कभी कभी, हो जाती भाई ऐश मतलब हो जाएगी, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, मतलब आपकी चढ़ाई भी हो जाएगी जब बोलते हैं अपनी देसी भाषाओं में, उसका कोई चक्कर नहीं है वैसे, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो, बट यही है भाई वर्थ आपके हाथ में ही है, आप देखो अच्छा कोर्स लेके आओ, एजेंट के पीछे मतलब मैं शुरू से ये बोलता हूँ, तो वर्थ तो है भाई कनाडा वर्थ है, बाकी अगर आज भी किसी ने आना हो ना तो मैं तो बोलूँगा भाई आ जाओ, सिंपल, मैं बिगाड़ नहीं रहा किसी को ना, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि इस जगह में बताना, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, जॉब जब तक जॉब नहीं मिलती ना तब तक कोई मतलब आपका दिमाग ख़राब होता रहेगा घर पे बैठ के, फिर भी कॉलेज 2 दिन होता 3 दिन होता है, दिमाग ख़राब हो जाता भाई घर पे, मैं बैठ रहा हूँ कितनी देर घर पे, फिर हार के मैंने गाड़ी खरीदी, फिर गाड़ी का भी सीन हो गया, चलो कोई चक्कर नहीं, लिखा होता भाई सब कुछ, अभी मैंने पहले भी बोला ना थोड़ा टाइम पहले लिखा होता है, बट टू बी ऑनेस्ट भाई जॉब के बिना बहुत मुश्किल है, एक तो एक्सपेंस नहीं आपके मैनेज होंगे, मैं बताता हूँ एक्सपेंस मोटे मोटे बताते हैं, अगर मेरा देखोगे ना तो भाई देखते रह जाओगे, मेरा मतलब सोच ही नहीं होगा मैंने जितने पैसे खर्च चुका हूँ भाई, मैं मतलब फ्लैक्स तो नहीं करना इसमें कोई भी, बहुत ही गंदी चीज़ है, पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ, अगर आप क्या बोलते हो उसको हिंदी में नाक की स्लीक जो भी चीज़ है, मतलब बहुत ही कम देख देख के पाव रखोगे तो फिर भी भाई आपका मिनिमम, अगर जीटीए की बात करें तो मिनिमम भाई 1200 कहीं नहीं गया, $1200 कहीं नहीं गया आपके महीने के, तो वो तो है ही आई, तो जीएसटी भाई आपको पता है 700 आती है, पता नहीं अब जो नए आ रहे हैं उनके कितनी आ रही है, मेरे को नया बच्चा कोई नहीं पता, अभी कोई नया आया जो $20,000 जीएसटी देके आया तो मेरे को कमेंट करना, वीडियो बनाएंगे भाई साथ में, जनता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी रील्स वगैरह पे भी आ रहे हैं यूट्यूब पे भी, अब मेरा वादा ही एक हिसाब से समझ लो, वादा शायद टूट जाए ना टूटे, वैसे कोशिश यही रहेगी तोड़ू ना वादा मैं अब अपना, कि हर 2 दिन बाद वीडियो आएगी, देख लो अभी भी मैं काम से आया, मैंने कहा यार यहीं पर बता देते हैं, क्योंकि जनता को क्या करना है भाई, ना उनको मेरी शक्ल देखनी है ना, आपको मेरी शक्ल से क्या लेना देना, या पीछे इधर क्या लेना देना, पीछे मॉल क्या, बाकी भाई झाड़ी है पीछे
ठीक है, बस की वेट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ स्ट्रगल्स बताता हूँ, स्ट्रगल्स बताते हैं भाई। वैसे यार लोग फिर बोलते टेंशन लेने की, भाई कोशिश कर रहा है, टेंशन तो चाहिए नहीं भाई किसी की भी, और ना ही मतलब फ्लैक्स है कोई इसमें, सारी दुनिया करती है, मैं अकेला तो कर नहीं रहा। 12:30 छुट्टी है, 1 बजे बस आनी है भाई, सिंपल है। अभी आधा घंटा आपको यहाँ पे टाइम पास करना है या $10 खर्च के आगे जाना है, वो आपकी मर्जी है। ऐसी 10-10 खर्चे रहे तो भाई फीस तो नहीं निकलेगी, ठीक है। जो लोग फीस निकालने के हैं, बाकी जिनके घर वाले तगड़े हैं फिर तो भाई वही लो। मैं बता रहा हूँ मेरे को एज अ मेरा जो माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट पहले दिन से भाई बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस करना है, नहीं तो यूट्यूब करना है, दो चीज़ें हैं। जॉब में मेरे को फ़ायदा नहीं दिखता भाई, बंदे का स्केल उतना ही रहता है जॉब में, $3-4 और उतने में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन भाई आसमान से ऊपर चली गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कि भाई बंदा कमज़ोर इतना ज़्यादा हो गया। मैं मतलब सभी को तो नहीं बोलूँगा कि बंदा कमज़ोर हो जाता है, मैं ज़्यादा हो गया हूँ कि भाई मैं खाने पीने के ध्यान नहीं देता, मेरा वैसे भी मेंटल पीस थोड़ा ख़राब है, तो उस वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि मेरा खाने पीने का ध्यान नहीं है। पहले मैं बहुत एक टाइम पर बहुत खाता था, जिम भी मैंने किया अपने इंडिया में, मेरा वेट लगा के चलो तो पता नहीं भाई, मैंने इंडिया में देखा शायद 57 था, यहाँ तो मैंने देखा कम हो गया मेरा। अब भी भाई सिंगल हड्डी बन के घूम रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, वो मेरे को आज भी बैठा है भाई, जिसने लगानी होगी ना मेरे को $10 देना फिर लगाएंगे बैठ, क्योंकि ऐसे नहीं लगानी, नहीं मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ भाई। अभी बैठ क्या भाई, सभी को पता ही है यार, 6-7 महीने लगाओ बॉडी के ऊपर, बॉडी वॉडी तो बन जाती है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं। फिलहाल अभी जो जरूरी है उसको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, काम को, और घूमना है भाई, घूमने का बहुत ज़्यादा दिल है, फंसे पड़े हैं, घूमना है भी नहीं भी घूमना क्या चल रहा है मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, बट घूमने के लिए ऑलवेज ओपन है, घूमेंगे, जिसका घूमना मैंने आपको हमेशा बताया उसके साथ घूमना है, अभी नहीं टाइम, बाकी जो भी है चलते हैं भाई अब घर को, ये व्लॉग को यहीं पर एंड रखते हैं, बाकी ज़्यादा बोरी हो तो सॉरी है, बट मेरे को ज़्यादा यही लगता है कि भाई मेरी सेहत ना थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है भाई, मेरे को सभी ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने और जो मेरे दोस्त हैं भाई, कि तू जब आया था कनाडा लैंड हुआ था तब अपनी सेहत देख रही हो, और इंडिया वालों ने तो बोला भाई तू क्या ही हो गया, और एक दोनों तो ये भी बोला भाई दुबई से जब तू आया था तब अपना हुलिया देख। अब 2-3 दिन पहले भाई मेरे पापा ने मेरी बेइज्जती कर दी कि क्या बाल बनाए हुए हैं तूने, क्या शक्ल बनाई हुई है, उन्होंने एक सिटी का नाम भी लिया कि वहाँ चला गया कि कनाडा गया, ठीक है। मैंने उनको बोला भाई कि क्या करूँ मैं बाल बना के, मेरे को किसी की टेंशन नहीं चाहिए, बोले भाई तेरी मर्जी है, चलो कोई चक्कर नहीं भाई, करते हैं हम लोग को यहाँ पर एंड। बाल बुल क्या बनाने भाई, किसको दिखाना है, मैंने देखे हुए हैं, जिसको दिखाना है सब कुछ देखा उसने, बाकी करते हैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड। बाकी यहाँ पे भी लिखा यार नो स्मोकिंग, स्मोकिंग मत करो यार, बहुत ही गंदा नशा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं तो भाई कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत बंदे देखे होमलेस यहाँ पे भाई, मरते होते हैं वो, मरते मत करो। बाकी गर्मियाँ आ गई हैं, जैकेट तो भी हाथ में पकड़ी है, कल बारिश हो गई थी इसलिए लेके आया हूँ कि आज बारिश वरिश ना हो जाए। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तो भाई ऐसे ही प्यार में रखना, सपोर्ट करते रहना भाई को, और नीचे कमेंट कर दो कौन सी वीडियो चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। बाकी 1 बजे हैं कि नहीं बजे भाई, एक तो टाइम बहुत स्लो पास हो रहा है आजकल। चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। क्या यार पर्सनैलिटी की क्या बातें करते हो यार, ऐसे मत बोला करो भाई, देखो दाढ़ी तो आज भी सेट है ना, बाल तो क्या ही सेट करो, मैं मेरे को किसी को दिखाने नहीं है, टेंशन चाहिए नहीं अपने को। बाकी पिंपल वम्पल तो चलो मेरी मर्जी है, वो मैं पानी कम पीता हूँ तो हो गए हैं, ठीक है। बाकी पानी कम पीता हूँ तो हो गए हैं, और ज़्यादा पीछे मॉन्स्टर ज़्यादा पी ली थी, कैफीन ज़्यादा हो गया था तो हो गया। बाकी ब्लॉग तो खत्म हो चुका है, ये जिन लोगों ने देखा है उनके लिए वो था, क्या कहते हैं उनको इनाम था। बाकी टॉर टूर निकाल लेंगे, जो पहले भी निकाला तो भूले थोड़ा ना, अभी भी भूले नहीं है, बस टॉर निकालनी बंद की है क्योंकि किसी की टेंशन नहीं चाहिए। बाकी सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाकी बस की वेट कर रहे हैं और तो कुछ नहीं, ब्लूपर ही समझ लेना इसको। चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय। ये थोड़ी अंदर से आ गई थी फीलिंग कि भाई टॉर टूर की बातें मत करा करो, टॉर टूर तो निकाल लेंगे, पहले भी निकाली थी तो अब भी निकाल लेंगे, कोई चक्कर नहीं। पहले भी एक टाइम पर ना मतलब सब बोलने लग पड़े थे भाई क्या सेहत हो गई है, तो मैंने कहा भाई जिम करते हैं, जिम अभी भी कर लूँ भाई, डाइट वूट खाने का अभी टाइम नहीं मिल रहा, और क्योंकि मैं बनाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि मेरे को भूल गया सारी चीज़ें। तो यार ब्लॉग खत्म हो चुका ना, करते हैं अगले ब्लॉग में बातें, तो बाय बाय, टेक केयर।